भाभी भाभी प्लीज मेरी बात सुन ले। बोलो। ये नाराजगी खत्म करते हैं। वकार भाई भी घर पर नहीं है, बच्चा मैं इस तरह से देखकर परेशान हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। माँ हूँ। जानती हूँ कि आप उसकी सगी माँ हैं। इससे ज्यादा अफजल रिश्ता और कौन सा हो सकता है। इसीलिए आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अहमद के लिए मेरी बात को रद्द नहीं करेंगी। प्लीज मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दें। 2 दिन बाद उसका स्कूल शुरू होने वाला है, घर में अजीब सा सन्नाटा है। प्लीज ये नाराजगी खत्म कर दें। आपको मेरी वजह से जो भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती। आप बिल्कुल ठीक थी, आपकी हर बात बिल्कुल ठीक थी। जो भी वजह थी मुझे उनसे इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज अहमद के लिए मुझे माफ कर दें। अच्छा ठीक है। अहमद, अम्मी को अपना नया वाला बैग लाकर दिखाओ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बैग है, पप्पू ने दिलवाया। कमीज के रंग का है, स्कूल लेके जाओगे तो सबको पसंद आएगा, है ना? थैंक यू कहा पप्पू से। थैंक यू।